देखो ये आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो फोटोन गिर रहे हैं ठीक है इसमें, और ये इसको खींच रहा है तो यहाँ पर आपकी लाइट गिरती है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से ठीक है। अगर आप इधर नेगेटिव चार्ज ही लगा दोगे ठीक है तो इन इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, रिपल्सन होगा ठीक है ना, इन इस पर क्या होगा आपका, रिपल्जन होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है या पॉजिटिव चार्ज है ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंचेगा ठीक है, तो उससे फिर आपने रिलेशन निकाला था कि वो वोल्टेज, जबकि यहाँ पर बिल्कुल करंट जीरो हो जाती है, वो क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और ये इक्वेशन हमने देख ली थी, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट ठीक है। तो अब ये बात आती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, तो बस जो आपको इस इक्वेशन में दिख रहे हैं, एक तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी पर, और एक जो आपका मटेरियल का वर्क फंक्शन है उस पे डिपेंड करता है। बस किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो ये लाइट गिर रही है ठीक है ना, इस गिरती हुई लाइट की इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, केवल ये डिपेंड कर रहा है आपका जो आपकी इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी पर, मतलब फ्रिक्वेंसी पर लाइट की, और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है ठीक है, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर फंक्शन। है सबको ये बात, यस सर। हम कौन सी दो चीजों पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन कितना है मटेरियल का, और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, कितने जूल पर सेकंड यहाँ पर गिर रहे हैं ठीक है ना, कितने जूल पर सेकंड यहाँ पर गिर रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी कितनी है, उससे वी नॉट को कोई लेना देना नहीं है ठीक है, उससे आपके वी नॉट को कोई लेना देना नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, यस सर। तो अगर आपने ये अगर कांस्टेंट रख दिए दोनों पैरामीटर, इफ ए एंड बी का मतलब ये दोनों पैरामीटर, मटेरियल वही है और फिर आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही है, तो आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी ठीक है। अब आता है कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड गिर रहे ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी पर और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ लाइट, दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि जूल पर सेकंड कितने गिर रहे हैं वो इंटेंसिटी है। जूल पर सेकंड क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू सिंगल फोटोन की एनर्जी, तो उसके अकॉर्डिंगली एन गवर्न हो रहा है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, नहीं तो आप हमेशा कभी भी नहीं कर पाएंगे एचसीवी का ऑब्जेक्टिव का सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन कोई है, इसमें अभी कराऊंगा भी शायद में, नहीं तो उसमें से करेंगे तो आप हमेशा गलत करेंगे अगर आप इस बात को नहीं समझते, क्योंकि आपको लगने लग जाता है एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत ज्यादा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है दैट इज ओनली गवर्निंग फैक्टर फॉर दिस वैल्यू ऑफ दिस एन ठीक है ना, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि इंटेंसिटी और एन प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और फिर आप ये इग्नोर कर देते हैं कि न्यू पे भी तो डिपेंड करेगा, न्यू को इधर ले जाओगे ना ठीक है ना, एन क्या होगा, आई अपॉन एच न्यू पे डिपेंड कर रहा है, आपने जितना आई बढ़ाया मान लो आई को दुगना किया और इसको भी दुगना कर दिया फ्रीक्वेंसी को, तो एन तो अनचेंज रह जाएगा ठीक है, आपने इंटेंसिटी तो ट्वाइस कर दी और साथ में जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो भी ट्वाइस कर दी, तो एन क्या रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा ठीक है। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत क्लियरली समझ में आया, देखो यहाँ से साफ दिख रहा है डायग्राम, आपके पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इससे फ्रिक्वेंसी से और इस वर्क फंक्शन दो पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। बट अगर मैं सेचुरेशन करंट की बात करूं तो सेचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करे, सेचुरेशन करंट का ओनली गवर्निंग फैक्टर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड है, स्मॉल एन। सेचुरेशन करंट को डिसाइड करने वाला फैक्टर जो ये सेचुरेशन करंट यहाँ पर आती है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज ठीक है ना, कि आप बढ़ता है करंट उसके बाद कितना भी बढ़ा लो आपका ये चेंज नहीं होगा ठीक है ना, आप कितना भी बढ़ा लो ये चेंज नहीं होगा ठीक है, तो इसकी बात करेंगे अपन। अब सेचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, ये आपको स्टॉपिंग इंटेंसिटी पोटेंशियल समझ एन पे करेगा। में।